हेलो एवरीवन, साक्षीज किड्स क्लब में आप सबका स्वागत है। आज हम बी अल्फाबेट से रैबिट का और बर्ड का ड्राइंग बनाने वाले हैं, और वो भी बहुत इजी मेथड से। बच्चे जब इस तरह से ड्राइंग सीखते हैं तो उन्हें अल्फ़ाबेट भी समझ में आते हैं और वो ड्राइंग बनाना भी जल्दी से सीखते हैं। इससे पहले मैंने ए अल्फ़ाबेट से हाउस का और जोकर का ड्राइंग का वीडियो भी शेयर किया है, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए बी अल्फ़ाबेट से रैबिट का और बर्ड का ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बी ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें सबसे पहले बी ड्रॉ कर लेना है। पहले हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर टू हाफ सर्कल्स। मैंने बी का वन हाफ सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम सेकेंड हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा बी रेडी हो चुका है। हमने बी ड्रॉ कर लिया है। अब हम बी के नीचे स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी एक स्लैंटिंग लाइन, यानी किस तरह की कर्व की थोड़ी सी। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमने दोनों जो लाइंस थी स्लैंटिंग लाइंस, उन्हें ज्वाइन कर लिया है एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करके। अब हम इसे आईज बनाएंगे, बी को आईज बनाएंगे। बी की स्माइल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे टेल बनाएंगे। टेल बना लिए हैं, अब हम इसके ईयर्स बनाएंगे। टू ईयर्स बना लेने हैं। देखिए, जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से ओवल शेप में थोड़े से ईयर्स बना लेने हैं। अब हम इसके हैंड्स बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें इसके हैंड्स ड्रॉ कर लेने हैं। इस तरह से हमारा रैबिट रेडी हो चुका है। हमने रैबिट के हैंड्स भी ड्रॉ कर लिए हैं। ये रैबिट हमने बी से बनाया है, यानी कि बी अल्फ़ाबेट से बनाया है। अब हम बी अल्फ़ाबेट से बर्ड बनाएंगे। हमें क्रॉस भी बना लेना है। इस तरह की क्रॉस लाइन बना लेनी है। अब हम छोटा हाफ सर्कल बनाएंगे और एक बड़ा हाफ सर्कल, यानी कि क्रॉस बी। इस तरह से हमने क्रॉस बी बना लिया है। अब हम इसके आईज बनाएंगे। अब हम इसकी पीक बनाएंगे, पीक यानी कि चोच। इस तरह से हमने इसकी पीक भी बना लिए है। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल निकाल लिया है और बीच में एक स्लैंटिंग लाइन, यानी कि स्टैंडिंग लाइन। अब हम नीचे से लंबे लंबे हाफ सर्कल्स बनाएंगे। देखिए, इस तरह से, यानी कि बर्ड के फेदर्स। इस तरह से मैंने बर्ड के फेदर्स भी बना लिए हैं। अब हम बर्ड के अंदर एक कर्व लाइन बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने कर्व लाइन भी बना ली है। इस तरह से हमने रैबिट और बर्ड ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे बॉर्डर बना लेंगे। इस तरह से हमारा रैबिट का और बर्ड का ड्राइंग रेडी हो चुका है।
हमने रैबिट का और बर्ड का ड्राइंग भी अल्फ़ाबेट से बनाया है और वो भी बहुत इजी मेथड से, यानी कि बहुत आसान तरीके से। इस तरह से हमारा रैबिट का और बर्ड का ड्राइंग रेडी हो चुका है। हमने ये ड्राइंग बहुत इजी मेथड से बनाया है, यानी कि बहुत आसान तरीके से बनाया है। बच्चे जब इस तरह से ड्राइंग बनाते हैं तो वो अल्फ़ाबेट भी सीखते हैं और ड्राइंग बनाना भी सीखते हैं। अगर आपको मेरा बी अल्फ़ाबेट से रैबिट और बर्ड का ड्राइंग का वीडियो अच्छा लगे तो साक्षी किड्स क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।